हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोआ बायो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जो वेरिएशन है ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला वाला वेरिएशन जो है अगर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। आपको पूरा SDS पेज इसमें समझाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या डिफरेंस है। तो ये वर्टिकल क्यों बोला जाता है, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप प्रोटीन ऊपर की तरफ लोड करोगे और वह प्रोटीन माइग्रेट होकर नीचे आएगा। तो हम लोग पेज के बारे में देखते हैं अभी। सो दो तरीके के पेज होते हैं। पेज स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही टाइप है, राइट। तो पेज में दो तरीके के टाइप है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि नेटिव पेज और SDS पेज। नेटिव पेज को नेटिव क्यों बोला जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि नेटिव पेज में आप कोई भी चार्ज नहीं देते हो प्रोटीन को, ओके। और उस वजह से जो भी रेजोल्यूशन होगा प्रोटीन का थ्रू आउट द जेल, जैसे कि ये वर्टिकल रहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ, इसके लिए दैट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन नेचुरल चार्ज ऑफ द प्रोटीन इट सेल्फ। और इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर वेट वाले प्रोटीन का रेजोल्यूशन है वो अच्छे से नहीं होता है, आपको बहुत सारे आइसोफॉर्म्स आप मिस आउट कर देते हो इसमें। बट वेन यू आर डूइंग SDS पेज, विच इज़ कॉल्ड एज सोडियम डोडिसिल सल्फेट, ये SDS जो है ये SDS निगेटिव चार्ज देता है प्रोटीन को, ओके। तो उससे क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज देने की वजह से सारे प्रोटीन्स को वहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, और उस वजह से जो भी रेजोल्यूशन है दैट विल बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज बेस। तो हम लोग उसके बारे में इन डेप्थ अभी बात करेंगे। तो देखते हैं SDS पेज को डिटेल में। SDS पेज में क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, पहले तो मॉलिकुलर वेट, उसके बाद करंट, अप्लाइड करंट, फिर चार्ज और मॉलिक्यूलर रेडियस। लेकिन SDS पेज में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ SDS ये दो पॉइंट्स नलीफाई हो जाते हैं, चार्ज नेगेटिव आ जाते हैं और मॉलिक्यूलर रेडियस नेगेटिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ SDS पेज। तो अभी जो भी रेजोल्यूशन होगा दैट विल बी ओनली डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड अप्लाइड करंट, ओके। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेटिव पेज एंड SDS पेज। तो अभी SDS पेज को हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि SDS पेज में दो तरीके के जेल होते हैं, जैसे कि स्टैकिंग जेल होता है जिसको लोडिंग जेल भी कहा जाता है, रिजॉल्विंग जेल होता है जिसको रनिंग जेल भी कहा जाता है। तो उसका रोल क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं वो अभी हम लोग डेप्थ में देखेंगे। उसको डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम भी कहा जाता है SDS पेज को। इसका रीज़न क्या है कि स्टैकिंग जेल में जो बफर यूज होता है और रिजॉल्विंग जेल में जो बफर यूज होता है, वो बफर का कंपोजिशन अलग होता है और pH अलग होता है, तो उस वजह से पहली बात उसको डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी इसमें देखिए स्टैकिंग जेल है और रिजॉल्विंग जेल है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल दोनों में बिस एक्रिलामाइड और एक्रिलामाइड दोनों रहते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। स्टैकिंग जेल जहाँ पे हम लोग प्रोटीन लोड करते हैं, ओके, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड कम होता है और इसका pH भी अराउंड 6.8 होता है। तो ग्लाइसिन जो हम लोग ट्रीज बफर में ऐड करते हैं, जो बफर सिस्टम बनाने के लिए ग्लाइसिन रहते हैं, वो ग्लाइसिन डीप्रोटीनेटेड स्टेट में इसमें रहता है, ओके। और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जब आप प्रोटीन लोड करते हो दैट इज टूवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड ग्लाइसिन इज इन डीप्रोटोनेटेड स्टेट जो आपके बफर सिस्टम में रहेगा, ओके। अभी हम लोग बात करेंगे रिजॉल्विंग जेल के बारे में, ओके, जिसको रनिंग जेल भी बोलते हैं। उसका pH होता है 8.8 और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड ज़्यादा होता है। तो अभी जब हम लोग नेटिव पेज को इससे कंपेयर करते हैं, तो नेटिव पेज में ये स्टैकिंग जेल, ये जो बाउंड्री जो यहाँ पे बनाई हुई है वो बाउंड्री नहीं रहती, ओके, इट इज़ अ कंटिन्यूस बफर सिस्टम, कंटिन्यूस जेल रहता है।
लेकिन SDS पेज में स्टैकिंग जेल रहेगा, उसके अलावा रिजॉल्विंग जेल रहेगा। pH का डिफरेंस मैंने बता दिया है, स्टैकिंग जेल का pH होता है 6.8, रिजॉल्विंग जेल का pH होता है 8.8। अभी हम लोग उसका रोल देखते हैं। तो ग्लाइसिन क्या करता है, जो ग्लाइसिन है जब रिजॉल्विंग जेल में रहेगा तो ग्लाइसिन विल फॉर्म अ लेयर अबव योर प्रोटीन एंड बिलो दैट क्लोरीन विल बी देयर। तो ये स्टैकिंग हो जाता है, एक प्रकार से स्टैकिंग हो जाता है जिसमें आपका प्रोटीन सेंटर में रहेगा एंड ये पूरा स्टैकिंग, ये सैंडविच जो है वो स्ट्रक्चर रिटेन करेगा थ्रू आउट द स्टैकिंग जेल। तो आपको वहाँ पे कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। द मोमेंट इट रिचेस योर रिजॉल्विंग जेल का बॉर्डर लाइन, जहाँ से रिजॉल्विंग जेल स्टार्ट होगा, राइट, तो क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। तो रिजॉल्विंग जेल में जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये पहले का सैंडविच वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पे दिखा है, ग्लाइसिन प्रोटीन एंड क्लोरीन। तो ग्लाइसिन जो है दैट वाज प्रेजेंट इन योर बफर सिस्टम एंड क्लोरीन वाज आल्सो प्रेजेंट इन योर बफर सिस्टम। जैसे ये रिजॉल्विंग जेल में एंटर होते हैं तो क्या होता है, ग्लाइसिन और क्लोरीन ये आगे निकल जाते हैं, ओके, तो दैट विल मूव अहेड एंड योर प्रोटीन विल गेट स्टक एंड इट विल गेट रिजॉल्व ऑन द बेसिस ओनली ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड अप्लाइड करंट। तो इसके बेसिस पे ये रिजॉल्व होते जाएगा नीचे नीचे नीचे, या फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा तो इट विल बी ऑन द अपर साइड, मॉलिक्यूलर वेट लोअर रहेगा तो वो ज़्यादा रन होगा तो इट विल बी ऑन द लोअर साइड एंड सो ऑन। तो ये होता है रोल ऑफ रिजॉल्विंग जेल और स्टैकिंग जेल का जो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इससे हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझा है कि आपको जो प्रोटीन लोड करना है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे लोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्रोटीन मूव होगा, डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम है क्योंकि बफर जो है फॉर स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल ये अलग अलग है। आपका प्रोटीन स्टैकिंग जेल में ये कंपोजिशन में रहेगा, ये सैंडविच फॉर्मेशन में, और जैसे ही वो रिजॉल्विंग जेल को टच करता है क्लोरीन और प्रोटीन क्लोरीन और ग्लाइसिन आगे मूव होते जाएंगे और प्रोटीन स्टिक होगा और वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से रिजॉल्व होगा। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके आगे के पॉइंट्स अभी हम लोग देखते हैं कि जेल पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और पॉलीमराइजेशन होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं पॉलीमराइजेशन जो है वो एक्रिलामाइड और बिसैक्रिलामाइड का होता है। अभी ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ द जेल डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर प्रोटीन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो परसेंटेज बनाओगे स्टैकिंग जेल का और रिजॉल्विंग जेल का, रादर देन रिजॉल्विंग जेल का, वो हर बार सेम होगा, जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20%, ये ज़रूरी नहीं है। वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आपको जो प्रोटीन को आइसोलेट करना है, आपको जो जेल पे रेजोल्यूशन चाहिए वो प्रोटीन आइसोलेटेड फॉर्म में, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टोटली डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोटीन आप रन करोगे, और ध्यान में रखोगे कि इसके साथ हर बार आप लैडर भी रन करोगे जिसको प्रोटीन लैडर कहा जाता है। बहुत बार प्रोटीन लैडर होती है वो कलरफुल भी होती है, तो कलरफुल लैडर होने की वजह से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि अलग अलग बैंड्स को अलग अलग कलर, मॉलिक्यूलर वेट का कलर रहता है, तो उस वजह से आपको पहचानने में आसानी होती है। तो लैडर भी रहता है, इसके अलावा कलरलेस लैडर भी रहता है, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपका रिजॉल्विंग जेल का परसेंटेज बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक्रिलामाइड है और बिसैक्रिलामाइड है, ध्यान में रखिए एक्रिलामाइड इज न्यूरोटॉक्सिक, तो उसके साथ काम करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, ओके। तो
बेसिकली जब भी आप बायोलॉजी में काम करते हो या आपके लैब में काम करते हो तो आपको प्रिकॉशन लेना ही है, लेकिन इट इज़ माय ड्यूटी टू लेट यू नो कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. हम लोग बहुत ज़्यादा केयर नहीं लेते या फिर बहुत जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करना है, आपको रिजल्ट दिखाना है किसी को, या फिर आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, या फिर कोई भी रीज़न हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी केमिकल के साथ काम करते हो उसका मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आता है, वो आपने पढ़ लिया हो. ओके, MSDS आता है उसका. तो उसके अलावा आप काम स्टार्ट मत कीजिए और SOP प्रॉपरली फॉलो कीजिए. तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये कब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? जब अमोनियम पर सल्फेट है वो फ्री रेडिकल देगा. और अमोनियम पर सल्फेट फ्री रेडिकल कब देगा? जब टिमिड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अमोनियम पर सल्फेट और टिमिड जो है वो आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है. ओके, अगर टिमिड आपने फ्रेशली प्रिपेयर नहीं किया तो फिर वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए अमोनियम पर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और उस वजह से आपका जेल पॉलीमराइजेशन ठीक से नहीं होगा. तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको. और ये फ्री रेडिकल देता है जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आप देखते हो एक्रिलामाइड इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विथ बिसैक्रिलामाइड एंड सो ऑन. तो ये यहाँ पे चेन फॉर्मेशन हो गया पूरा, एंड ये पॉलीएक्रिलामाइड का मैट्रिक्स हो गया विच इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ योर पेज. तो ये जेल होता है, ये जेल फॉर्मेशन विच इज कॉमन फॉर योर स्टैकिंग जेल एज वेल एज डिजॉल्विंग जेल. ओनली कंपोजिशन विल डिफर, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. कंपोजिशन चेंज होगा, एक्रिलामाइड बिसैक्रिलामाइड का परसेंटेज चेंज होगा. तो रोल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, APS इज अमोनियम पर सल्फेट, इट प्रोवाइड्स फ्री रेडिकल्स, एंड टीमिड इट प्रॉम्प्ट्स इट रिएक्ट्स विद अमोनियम पर सल्फेट टू गिव अ फ्री रेडिकल. सो टीमिड स्टैंड्स फॉर टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमाइन, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. सो व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन टीमिड इज नॉट प्रेजेंट और टीमिड इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रेशली, सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड टीमिड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, अदरवाइज पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, और फिर उस वजह से आपका जो जेल कास्टिंग का जो भी टाइम लगता है वो भी वेस्ट हो जाएगा और आपको जेल प्रॉपरली पॉलीमराइज नहीं होगा, तो आपको वो जेल फेंक के फिर नया जेल कास्टिंग के लिए लगाना पड़ेगा, और उसमें वॉशिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो बहुत टीडियस और बहुत बोरिंग हो जाता है वो एक टाइम के बाद, तो आपको वो ध्यान में रखना है. अभी हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे. मैं अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने बताया है. तो ये इमेज आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आप पिपेट से, माइक्रो पिपेट से लोड करोगे आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ये स्टैकिंग जेल की बाउंड्री है, यहाँ तक है. ओके, राइट, तो उसके नीचे रिजॉल्विंग जेल है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा और पोरस जेल के थ्रू जो आपके प्रोटीन से हाई मॉलिकुलर वेट है वो ऊपर रहेंगे, जो लोअर मॉलिकुलर वेट है वो उस बहुत नीचे आ जाएंगे, और बीच में रहेंगे वो, उन दोनों के बीच में का मॉलिकुलर वेट वाले प्रोटीन्स रहेंगे. तो ये रेजोल्यूशन ऐसे होगा इन वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, अभी हम लोग आगे चल के बात करते हैं स्टेनिंग के बारे में. स्टेनिंग ऑफ SDS पेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि कुमासी ब्रिलियंट ब्लू स्टेनिंग है, सिल्वर स्टेनिंग है, लेकिन वो डिपेंड करता है योर एप्लीकेशन. ओके, तो आप जो प्रोटीन को रिजॉल्व करना चाहते हो, जिसको आप देखना चाहते हो, वो अगर बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा तो वो टाइम पे कुमासी ब्रिलियंट ब्लू बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता और वो प्रोटीन कैप्चर नहीं करेगा, वो स्टेन नहीं होगा अगर वो बहुत नैनोग्राम्स में कम क्वांटिटी में रहेगा तो वहाँ पे कुमासी ब्रिलियंट ब्लू बिल्कुल फेल हो जाता है. ये सिर्फ उसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन
जब आप सिल्वर स्टेनिंग के बारे में बात करते हो तो सिल्वर स्टेनिंग जो है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टीडियस है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी है। ओवरनाइट आपको स्टेनिंग में रखना भी पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से रिएजेंट्स भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई कोई लगते हैं, तो वो भी एक स्टेप है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कुमासी ब्रिलियंट ब्लू के बारे में पहले, और उसके बाद हम लोग सिल्वर स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन एडवांटेज ऑफ सिल्वर स्टेनिंग इज दैट कि वहाँ पे सिल्वर स्टेनिंग जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब नैनोग्राम्स में भी अगर प्रोटीन रहेगा आपका इन योर जेल, वो भी वो पिक करेगा और आपको बैंड्स देगा। तो ये ज़्यादा एडवांटेज है सिल्वर स्टेनिंग का। सॉरी, तो अभी कुमासी ब्रिलियंट ब्लू हम लोग देखते हैं कुमासी ब्रिलियंट ब्लू कैसे बनता है स्टेनिंग डाय उसका। कुमासी ब्रिलियंट ब्लू प्लस मिथेनॉल प्लस ग्लेशियल एसिडिक एसिड प्लस वाटर, ऑब्वियसली ये मिल्की वाटर या फिर हम लोग डबल डिस्टिल वाटर लेते हैं उसमें, और इससे हम लोग स्टेनिंग बनाते हैं स्टेनिंग डाय। तो इसको हम लोग को डिस्टेन भी करना पड़ता है ताकि जेल जो है जिसने बैकग्राउंड बोलते हैं जो हम लोग उसको, वो स्टेन को रिलीज कर दे और प्रोटीन के साथ वो बाइंडिंग रहे इसके लिए। तो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करने के लिए ग्लेशियल एसिडिक एसिड और मिथेनॉल भी हेल्प करते हैं, और जो बाइंडिंग सीबीबी जो डाई है वो प्रोटीन को बाइंड हो जाता है। और हम लोग को जेल को अभी डिस्टेन करना है सो दैट प्रोटीन जो है वो सिर्फ डाई को बाइंड रहेगा, और उस वजह से हम लोग को प्रोटीन विजुअलाइज करने को मिलेगा, एंड वी कैन कंपेयर दैट अलॉन्ग विद द लैडर जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। तो ये हो जाता है सीबीबी का स्टेनिंग के बारे में। डिस्टेनिंग के लिए सीबीबी में हम लोग को लगता है ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट सीबीबी, सो मिथेनॉल ग्लेशियल एसिडिक एसिड एंड वाटर, ये तीनों चीज़ें लगेंगे एक्सेप्ट फॉर सीबीबी। ओके, तो डिस्टेनिंग फॉर अभी हम लोग देखते हैं, तो ये डिस्टेनिंग फॉर सीबीबी हो गया। अभी हम लोग देखते हैं सिल्वर स्टेनिंग के बारे में। सिल्वर स्टेनिंग में आपको लगेगा सिल्वर नाइट्रेट, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, मिल्की वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नेफ्थलीन डाइसल्फाइड एंड फॉर्मलडिहाइड। तो ये आप जब सिल्वर स्टेनिंग के अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि सिल्वर स्टेनिंग यू डू इट बाय से ओनली सिल्वर नाइट्रेट, इफ़ यू आर डूइंग इट बाय एनी अदर फास्ट सिल्वर स्टेनिंग और एनी अदर मेथड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन सिल्वर स्टेनिंग में आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके वाटर में जो आप यूज़ करते हो जेल बनाने स्टेनिंग करने के लिए, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी अगर आपके इसमें इम्प्यूरिटी रहेगा तो आपका सिल्वर स्टेन बिल्कुल भी वर्क नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको जो भी वाटर यूज़ करना है दैट इज़ मिल्की वाटर। मिल्की वाटर इज़ आयन फ्री, एंड वो मिल्की वाटर आपको मिल्की वाटर सिस्टम से मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, उसमें बिल्कुल भी आयन्स नहीं होते। ओके, और उसका पीएच भी बहुत स्टेबल होता है, अराउंड 7, तो 7.2 ऐसे 7.4 मैक्सिमम। तो ये यूज़ करना पड़ता है। तो ये सिल्वर स्टेनिंग जो आप प्रोटीन का करते हो, तो उसके पहले आपको जेल को फिक्सेशन करना पड़ता है, और उसके बाद सेंसिटाइजेशन, फिर बाइंडिंग होगा, और उसके बाद डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद फिर उसका डिस्टेनिंग करेंगे। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं सिल्वर स्टेनिंग में, लेकिन वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा देगा इवन इफ़ यू आर जो आपका प्रोटीन है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। तो दिस वॉज अबाउट स्टेनिंग एंड डिस्टेनिंग। और जो डिस्टेनिंग जो है सिल्वर स्टेन के लिए हम लोग को लगता है उसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड रहता है। ओके, और ये जो था वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको पूरा SDS पेज, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि SDS पेज व्हाट इज़ अ वेरिएशन ऑफ SDS पेज फ्रॉम नेटिव पेज, SDS पेज क्यों यूज़ करते हैं। ओके, और उसके अलावा SDS पेज जेल फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टैकिंग जेल, रिजॉल्विंग जेल कैसे बनता है, उसका पीएच क्या क्या है, पीएच में क्या क्या वेरिएशन है। उसके बाद हम लोगों ने रिवाइज किया कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, उसमें अमोनियम परसल्फेट और टिमिड का रोल क्या है, और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रनिंग कैसे होता है थ्रू आउट द वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और
लास्ट में स्टेनिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और हम लोग को कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर और कोई वीडियो हम लोगों से चाहिए कोई और टॉपिक का, या फिर आपको लगे हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं, हम ज़रूर वो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।